हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, दैट विल बी कंप्लीट इंटीग्रल कैलकुलस एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन द इजीएस्ट पॉसिबल मैनर। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। थोड़ी बहुत आपको अगर डिफ्रेंशिएशन आती है, जो आपने फिजिक्स में भी सीखी होगी, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। अदरवाइज उसके बिना भी आप इसको समझ सकते हैं। ये जो हमारी सीरीज़ है, उसका टारगेट आपके बोर्ड एग्जाम्स, आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तब भी, और अगर आप जेई मेन और एडवांस के लिए पढ़ रहे हो तब भी आप ये सेशंस देख सकते हो। जहाँ पे भी कोई सेशन सिर्फ और सिर्फ जेई के लिए चाहिए होगा, तो मैं बता दूंगा आपको कि ये वाला पोर्शन सिर्फ जेई में आएगा, बोर्ड में नहीं आएगा। और अगर कोई ऐसा पोर्शन होगा जो बोर्ड में आएगा और जेई में नहीं आएगा, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनको मैं बता दूं, आई एम अ बीटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड आई हैव बीन गाइडिंग स्टूडेंट्स फॉर आईआईटी जेई फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। I'm a top educator at Unacademy also. You can use my referral code VinithLive to subscribe Unacademy Plus platform. ये जो complete series है, यहाँ पर मैं basically आपको पूरा integral calculus करवाने वाला हूँ। तो आप अपना प्यार जो है वो बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपको जितने भी डाउट्स हैं और जो आपकी DPPs हैं, वो मेरे टेलीग्राम चैनल @freeiitjeecoaching, ये मेरा चैनल है, यहाँ पर आप जाइएगा तो आपको यहाँ पे सारे DPPs मिलेंगे। ठीक है, मैं पोस्ट करना स्टार्ट कर दूंगा, और पहले भी बहुत सारा कंटेंट मैंने पोस्ट करा है। और इसका ही एक डिस्कशन ग्रुप है, जहाँ पे आप अपने क्वेरीज और डाउट्स पूछ सकते हैं। प्लीज़ उसमें स्पैम ना करिएगा, ताकि हम एक हेल्दी इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस बिगिन आवर सेशन विद द वेरी बेसिक्स ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल और इंटीग्रेशन एज सच। तो बेसिकली जो इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, आप ऐसा बोल सकते हैं ना। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये लेक्चर के जो नोट्स हैं सारे, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया, वो निकालने के लिए आपको ब्राउजर में डालना पड़ेगा वो लिंक, या फिर आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लें और वहाँ पर आप @freeiitjeecoaching जब सर्च करेंगे ना, तो आपको मिल जाएगा चैनल। तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है ना। जैसे कि अगर एक फंक्शन है, उसका अगर डेरिवेटिव मैं लूँ और वो डेरिवेटिव मेरे पास gx आ जाए, fx का डेरिवेटिव क्या आ जाए, gx आ जाए, तो gx की इंटीग्रेशन, ऐसे करके लिखते हैं हम, इंटीग्रल dx क्या आएगी, fx आएगी। ये है इसका मतलब। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब कि अगर एक फंक्शन की डेरिवेटिव एक पर्टिकुलर फंक्शन आ रहा है, तो दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल वही पहले वाला फंक्शन आ जाएगा। जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव सबको पता है ना क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो अगर कोई आपसे कॉस एक्स का इंटीग्रल पूछे ना, कॉस एक्स का इंटीग्रल, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि वो साइन एक्स होगा। दैट इज द ब्यूटी। तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है। तो साइन का डेरिवेटिव अगर कॉस है, तो कॉस का इंटीग्रल क्या होगा, साइन होगा। बस यहां पे एक चीज ये होती है कि हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते हैं, वो इसलिए कि भाई हो सकता है साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स लिया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि साइन एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव तो वैसे भी जीरो ही होता ना, तो साइन एक्स प्लस सी का जो डेरिवेटिव है वो भी कॉस एक्स आएगा। तो कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स भी आ सकता है, या फिर साइन एक्स प्लस सी भी आ सकता है। तो अगर साइन एक्स आना होगा तो सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, या फिर कोई और कांस्टेंट आना होगा तो वो कांस्टेंट हम निकालते हैं, बट वो हम निकालते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में आपने देखा होगा, जब आप फिजिक्स में यूज करते हैं तो लिमिट्स होती है ना, यहां से लेके यहां तक, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, यहां पे आप लिमिट डालते हैं ना, इंटीग्रेट करते हैं जब आप एक्सेलरेशन वेलोसिटी वगैरह निकालने के लिए अगर आप करते हैं। तो बेसिकली आप ये देखें कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। अब इंटीग्रेशन को अच्छे से समझने के लिए हमें एक टर्म पहले सीखनी होगी, दैट विल बी डिफरेंशियल्स। ये आपने पहले नहीं पढ़ा तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आप डिफरेंशियल्स। जैसे डिफरेंशिएशन होता ना, वैसे शब्द है डिफरेंशियल्स, मतलब पूरी पूरी डिफरेंशिएशन नहीं है बट है वैसा ही। जैसे मैं तुम्हें बोलूँ कि यार एक फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, डी वाई by dx will be equal to 2x, है ना, ये तो आसान ही है सर। तो इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं dy, तो क्या आ जाएगा, 2x
डीएक्स। तो ये जो डी वाई है ना, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल ऑफ वाई। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल ऑफ वाई। और ये जो डीएक्स है इसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल ऑफ एक्स। ठीक है, ये क्या होगा? डिफरेंशियल ऑफ एक्स। तो बेसिकली डिफरेंशियल का मतलब क्या है? डिफरेंशियल का मतलब ये है कि आपने एक तो इधर डी वाई लगा दिया और इसका डेरिवेटिव ले लिया फंक्शन का ना, तो वो 2x आ गया, और साथ में जो फंक्शन का वेरिएबल है वो लगा दिया। मैं कई सारे एग्जांपल्स लेता हूँ, आपको अभी समझ में आ जाएगा। मान लो y इज इक्वल टू साइन टी हो, मैं आपको कहूँ टेकिंग डिफरेंशियल्स बोथ साइड, तो उसका मतलब क्या होगा? आपने इसको डी वाई, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस होता है, और सिंस वेरिएबल टी है तो यहाँ पर डी टी लिख दिया, तो ये डिफरेंशियल्स आ जाएंगे आपके। तो डी वाई कॉस टी डी टी। जैसे आपको कोई बोले कि भाई मेरे पास वाई की वैल्यू लेट से एक्स क्यूब है ना, तो डिफरेंशियल लो, तो डी वाई विल बी व्हाट? 3x² dx। मतलब इसका डेरिवेटिव ले लिया, इधर इसका वेरिएबल dx, इधर इसका वेरिएबल का डेरिवेटिव दैट इज डी वाई। बेसिकली डिफरेंशियल्स बोलते हैं, डेरिवेटिव नहीं बोलते हैं इसको ना। जैसे मैं तुम्हें बोलूँ कि डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा, है ना, तो डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा? दैट विल बी नथिंग बट 2y, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना? 2y, और साथ में dy, बस सिंपल ही। ऐसे मैं बोलूँ आपको डिफरेंशियल ऑफ tan z कितना होगा। अब हमें क्या पता है कि यार tan z क्या होता है? tan z बेसिकली आपका डेरिवेटिव क्या देता है आपको? secant square, और सिंस z है तो साथ में dz आ गया। मतलब बेसिकली तो ऐसा आएगा ना, y इज इक्वल टू tan z आएगा, आप दोनों तरफ डिफरेंशियल लोगे तो dy इज इक्वल टू secant square z dz आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल्स। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीग्रल की। तो इंटीग्रेशन को एक दूसरा नाम भी बोल देते हैं, इंटीग्रेशन का एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। वही डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है ना, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं? एंटी डेरिवेटिव भी बोल देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन एंड एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, अच्छा एक जनरल नॉलेज के लिए फैक्ट बता रहा हूँ, अगर आपने पहले पीरियोडिक फंक्शंस पढ़ा है ना, इफ़ यू हैव डन पीरियोडिक फंक्शंस, तो ऐसे एक फूड फॉर थॉट है, अगर पीरियोडिक फंक्शंस पढ़ा है तो पीरियोडिक फंक्शन अगर आपने पढ़ा है तो आप देखें कि वैसे हमें क्या लगता है कि यार साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आया, एंड कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या आ जाएगा? साइन एक्स आ जाएगा। तो हम कई बार ये बोल देते हैं कि अगर हमारा जो फंक्शन हम जिसका इंटीग्रल ले रहे हैं अगर वो पीरियोडिक है तो उसका इंटीग्रेशन के बाद भी जो फंक्शन आएगा वो पीरियोडिक आएगा, ऐसा जनरली लोग बोल देते हैं, बट वो गलत स्टेटमेंट है। वो पीरियोडिक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यार इसके साथ आप देखें यहाँ पे कॉन्स्टेंट भी तो आएगा ना। मान लो इंटीग्रेशन के बाद साइन एक्स प्लस वन आ गया, है ना, तो क्या साइन एक्स प्लस वन आपका पीरियोडिक फंक्शन होगा? हाँ होगा, साइन एक्स प्लस वन तो पीरियोडिक फंक्शन होगा। बट आप देखिए यहां पे तो सही है, प्लस कांस्टेंट आ गया, पीरियोडिक फंक्शन है। बट अगर आप इंटीग्रेशन लेते समय आप ऐसा कर लें, मान लो ये आपने ले लिया, ठीक है, मान लीजिए आपने ये फंक्शन लिया, आइए देखें, तो अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करते हैं ना, कॉस की इंटीग्रेशन क्या आएगी? वो तो साइन एक्स आ जाएगी, और c की इंटीग्रेशन क्या आएगी? वो सी एक्स आ जाएगी ना। सी की इंटीग्रेशन, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन तो वन हो जाती है ना, वन की इंटीग्रेशन बेसिकली एक्स आ जाती है ना, वन की इंटीग्रेशन क्या आती है? एक्स। अब आप ऑब्जर्व करें कि यार ये तो पीरियोडिक है, ये क्या है? दिस इज पीरियोडिक, बिकॉज कॉस एक्स के फंक्शन को ऊपर नीचे क्या होगा? मान लो कॉस एक्स प्लस वन था, तो कॉस एक्स प्लस वन का इंटीग्रल क्या आता? अगर कॉस एक्स प्लस वन रहता तो उसका इंटीग्रल कितना आता? उसका इंटीग्रल आता बेसिकली साइन एक्स प्लस एक्स, है ना, वन का इंटीग्रल कितना आता? वो एक्स आ जाता, प्लस एक और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता, इनफैक्ट है ना, एक और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहां पे आ जाता, यहां पे भी सी डैश बोल सकते हैं। तो बेसिकली आप ये ऑब्जर्व करें कि यार ये जो क्वांटिटी आई है दिस इज नॉन पीरियोडिक, ये पीरियोडिक नहीं है, दिस इज नॉन पीरियोडिक। यानी कि जरूरी नहीं है कि अगर आपका इंटीग्रेशन के पहले फंक्शन पीरियोडिक था तो वो इंटीग्रेशन के बाद भी पीरियोडिक ही रहेगा। सो अ पीरियोडिक फंक्शन नीड नॉट बी
रिमेनिंग अ पीरियोडिक फंक्शन आफ्टर यू टेक एंटी डेरिवेटिव और यू टेक इंटीग्रल ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेसिकली. आप जब इंटीग्रेशन सीख जाएगा तो ये चीज़ आप खुद ही ऑब्जर्व कर पाएंगे. जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते रहेंगे तो यू विल सी दैट यू आर एबल टू ऑब्जर्व दिस थिंग यू आर. ओके, अब शुरुआत करते हैं. सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ. जैसे कि आप देखें, मान लो कोई आपसे बोले कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा. अब आप सोचें कि मैं कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव लूँ कि एक्स स्क्वायर आ जाए. एंटी डेरिवेटिव के हिसाब से बता रहा हूँ कि मैं कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव लूँ कि एक्स स्क्वायर आ जाए. अब देखें कि अगर आप एक्स क्यूब बाय थ्री का डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव लेके देखें, तो आपके पास एक्स स्क्वायर बनेगा. इसका डेरिवेटिव ये बन रहा है तो इसका इंटीग्रल ये बन जाएगा. यानी कि साथ में तो प्लस सी तो हम लगाएंगे, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर. सो ये एंटी डेरिवेटिव के हिसाब से तुम्हें मैं बता रहा हूँ. मान लीजिए आप ये देखें कि वन बाय एक्स है ना, तो सोचिए यार कौन सा डेरिवेटिव है जो हमें, कौन सा फंक्शन है जो हमें डेरिवेटिव में वन बाय एक्स देगा ना. कौन सा फंक्शन है जो हमें डिफरेंशिएशन के बाद क्या देगा, वन बाय एक्स. अब हमारे ध्यान में क्या आता है कि यार वो वाला फंक्शन तो कौन सा है, लॉग ऑफ एक्स का है. बट ऐसा है कि यार यहाँ पे तो एक्स नेगेटिव हो सकता है बट लॉग में नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे मॉड लगाना जरूरी है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया कॉस वाली एग्जाम्पल बताई. अब आप ये देखो साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होगा. अब हमने सोचा यार कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है ना. कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन. बट यहाँ पे तो साइन है, तो अगर मैं माइनस कॉस का डेरिवेटिव लूँ तो कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन एक्स आ जाएगा. यानी कि साइन एक्स का इंटीग्रल क्या बनेगा, कॉस एक्स बनेगा. तो जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जो सिंपल सिंपल फंक्शन है, वो आप एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं. बट ये कि यार इसको अब बहुत हैवी क्वेश्चन पर तो लगा नहीं सकते, बार बार सोचना ऐसा मुश्किल है. उसके लिए फिर हमने फॉर्मूलाज बना रखे हैं. बट वो फॉर्मूलाज जो बने वो यहीं से बने, इसके हिसाब से आप प्रूव भी कर सकते हो उनको. तो हम अब हम कई सारे इंटीग्रल्स के फॉर्मूलाज को पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो इन इंटीग्रल्स में हम बेसिकली है ना स्टार्ट कर रहे हैं हमारे सबसे फंडामेंटल इंटीग्रल से, जो कि हमारा टाइप वन बन जाएगी या फॉर्मूला वन बन जाएगा. आप कुछ भी इसको देख सकते हैं ना. आप ये देखें कि ये वो इंटीग्रल्स है कि अगर हमें ये वाले इंटीग्रल्स पेपर पे मिलेंगे तो हमारे चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए. ठीक है, हमारे चेहरे पे क्या आना चाहिए, स्माइल आनी चाहिए. तो ये वो इंटीग्रल्स हैं जो हमारे चेहरे पे स्माइल लेके आएंगे, तो इनका मैं नाम स्माइलिंग इंटीग्रल रख देता हूँ. ठीक है, स्माइलिंग इंटीग्रल्स जितने भी हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे. ठीक है, तो स्माइलिंग इंटीग्रल्स हम पढ़ने जा रहे हैं. तो पहला स्माइलिंग जो हमारे फेस पे स्माइल लेके आएगा पेपर में अगर हमें देखा तो, वो होगा ये वाला x की पावर n dx. इसका इंटीग्रल क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. जितनी जल्दी हो जाए आपको फॉर्मूला सारे याद कर लेने, जैसे जैसे मैं फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, जितने स्माइलिंग इंटीग्रल्स हैं हमारे ये सब आपको याद कर लेने. तो x की पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन, एक तो ये फॉर्म है, एक इसकी एक और फॉर्म है, वन मोर फॉर्म इज देयर, दैट विल बी कि अगर इसकी जगह ऐसा आता ए एक्स प्लस बी लीनियर रहता. देखो हा? तो देखो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, इसका इंटीग्रल एक तो यही फंक्शन आ जाएगा पूरा का पूरा वैसा ही, पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन भी आएगा, बट साथ में वन बाय ए आएगा. अब ये वन बाय ए क्यों आ रहा है, ये हमेशा आएगा हर इंटीग्रल के साथ, तो इसको अभी समझ लेते हैं. देखो ध्यान से देखो, प्लस सी अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो जब तुम इसका डेरिवेटिव लोगे, जैसे इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आएगा, एन प्लस वन एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस वन दैट विल बी एक्स की पावर एन ओवर एन प्लस वन. तो ये और ये कैंसिल आउट हो रहे हैं और आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है ना, तो दैट मीन्स इट इज़ ओके, दिस फॉर्मूला इज़ फाइन. लेकिन जब आप इसका डेरिवेटिव लेते इसका अगर, तो आपके पास एन प्लस वन ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन तो आता ही, बट साथ में चेन रूल की वजह से ए भी आता ना, क्योंकि ए एक्स प्लस बी है तो चेन रूल की वजह से क्या आता, ए भी आता. तो उसको बैलेंस करने के लिए, उस ए को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे वन बाय ए रखा है, ताकि जब मैं ये ए से ये ए कटेगा, एन प्लस वन हमने रखा ही है वो इससे कटेगा, तब मेरा ओरिजिनल फंक्शन यहाँ पे एन प्लस वन की जगह आपके पास क्या आएगा, डेरिवेटिव लेंगे तो एन आएगा, तो मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन मेरा बन पाएगा, दैट विल बी ए एक्स प्लस बी की पावर एन अपॉन
n+1 कट गया, a और a कट गया, तो ये मेरा फाइनल फंक्शन फिर बनेगा ना। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी इसकी जगह लीनियर वाला आ रहा है तो आपको नीचे 1/a करना है। अब यहां से लोग क्या है अपने कई सारे फॉर्मूलाज बनाने लग जाते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ दो फॉर्मूला बताए, या तो x की पावर n का या फिर ax+b की पावर n का। जैसे मैं अगर तुम्हें इसकी एक एग्जांपल लेके बताऊंगा, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 2x+3, ये हमारी एग्जांपल नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है। तो 2x+3 का इंटीग्रल अगर मेरे को करना है ना, इसकी पावर लेट से 5 है, तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि ये सारे को आप एज अ x ट्रीट करो, तो 2x+3 की पावर n+1 दैट विल बी 5+1 6 ओवर 6 आएगा, बट साथ में आपको 1/a करना पड़ेगा, दैट इज द कॉफिशियंट ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये रिजल्ट आएगा। अब ये तो सही है, दिस इज ओके बिकॉज इट इज मैचिंग विद अवर फॉर्मूला। अब लोग कई बार क्या सोच जाते हैं, कई बार दिमाग लगा लेते हैं अपना, कैसे, मान लीजिए x2+2x+3 है, उसकी पावर 5 है, इंटीग्रल है dx। अब लोग ये कर जाते हैं ऐसा कि x2+2x+3 की पावर 6/6। अब यहां पे 1/ क्या करोगे, पहली बात तो ये लीनियर नहीं है। अब कई लोग तो चेन रूल लगा देते हैं यहां पे, ऐसा जैसे मैंने बताया कि चेन रूल की वजह से आ रहा है, कह रहे बैलेंस करने के लिए क्या कर देते ना, इसका डेरिवेटिव ले लेते, तो इसका डेरिवेटिव फर्दर लिया तो 2x+2 आ गया सर, वहां से बैलेंस हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला केवल और केवल दो जगह पे वैलिड है, एक तो एक्स की पावर एन पे या फिर लीनियर एक्सप्रेशन की पावर एन पे, दो ही फॉर्म्स हैं इसकी। दिस इज फर्स्ट फॉर्म, दिस इज द सेकेंड फॉर्म, यू कैनॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला एनी वेयर एल्स। दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 2। लेट से आपके पास यहाँ पे ऐसा आ गया, तो डिफरेंशिएशन में आप बहुत कुछ कर पाते थे, मान लो ऐसा आ गया, अब आप ये नहीं कर सकते हो, दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू सॉल्व इट, दिस विल नॉट बी द करेक्ट मैथड टू सॉल्व इट, कि साइन एक्स की पावर 4 कर दिया, ओवर 4 कर दिया और साइन का डेरिवेटिव यहाँ पे कॉस ले लिया, दिस इज टोटली रॉन्ग, यू कैनॉट डू इट। तो ध्यान रखिएगा कि x की पावर n का जो फॉर्मूला है हमारा, वो केवल और केवल या तो x की पावर n का एक्सप्रेशन हो या फिर ax+b की पावर n का एक्सप्रेशन हो, उसमें ही वैलिड रहेगा। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू डू फ्यू मोर एग्जांपल्स। अब कुछ एग्जांपल्स में लॉग आएगा, आई डोंट नो आपने लॉग कितना अच्छा पढ़ रखा है, बट फिर भी मैं आपको साथ साथ में थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवाता रहूँगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, मान लो अब आप इसमें ऑब्जर्व करो, आप सॉल्व करने की कोशिश करो, पॉज कर लो वीडियो करनी है तो सॉल्व करके एक बार ट्राई कर लो, फिर आगे चलाओ वीडियो को। अब देखो यहाँ पे क्या है, a की पावर, कुछ भी नोट करना ना तो पॉज करके नोट कर लिया करो। तो a की पावर, देखो एक फॉर्मूला होता है a की पावर log ऑफ x टू द बेस a, तो इसका आंसर a आता है। पहले तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता तो अब पता चल गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद कर लेना है, कमिट टू मेमोरी, CTM स्टैंड्स फॉर कमिट टू मेमोरी। तो a की पावर log ऑफ x टू द बेस a विल ऑलवेज गिव यू x, मतलब अगर जिस नंबर की आप पावर कर रहे हो और log का बेस मैच कर रहा है, तो आपके पास जो यहाँ पे क्वांटिटी होगी ना, वही आंसर आ जाएगा। मतलब इसको मैं जनरलाइज भी कर सकता हूँ, a की पावर log ऑफ लेट से आम, मतलब हमारा फेवरेट स्टूडेंट आम है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा, आम आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए e की पावर log ऑफ रूट एक्स टू द बेस ही है, तो इसका इंटीग्रल के बाद आंसर कितना आ जाएगा, रूट एक्स आ जाएगा। अब आप देखें कि रूट एक्स क्या है, बेसिकली रूट एक्स एक्स की पावर हाफ है, तो एक्स की पावर एन है ना, एक्स की पावर एन की फॉर्म बन गई, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो एक्स की पावर n+1/(n+1) प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस विल गिव यू एक्स की पावर 3/2/3/2 प्लस सी, एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगले पे चलते हैं, पॉज करना तो कर लिया करो बीच में, तुम्हें स्पीड फास्ट लगे और स्लो कर सकते हो, मतलब पॉज कर करके। एग्जांपल नंबर 5 लेते हैं, ई की पावर, इसको आप खुद ट्राई करिएगा ना, ट्राई टू सॉल्व इट योर सेल्फ, करें कोशिश करें, आई गिव यू 10-15 सेकेंड्स टू सॉल्व इट, ज़्यादा समय चाहिए हो तो पॉज कर लेना।
कोशिश करो, ट्राई इट। ई की पावर माइनस ऑफ एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर, कोशिश करिए आप निकाल पाएंगे आंसर, सही निकाल पाएंगे ना अगर सही से करेंगे तो। आइए देखें, सो इंटीग्रल ई की पावर एल एन ऑफ, यहाँ पावर रेज करेंगे तो वन बाय एक्स स्क्वायर आ जाए, बिकॉज आपने पढ़ा होगा कि लॉग ऑफ एम की पावर एन इज व्हाट, एन लॉग एम, है ना, ये आपने पढ़ा। तो सिमिलरली हमने क्या करा, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है उसको अंदर की तरफ ले गए, मतलब फॉर्मूला को रिवर्स में लगा दिया ना, फॉर्मूला को क्या किया, रिवर्स में लगा दिया, ताकि बेसिकली हमारी वही फॉर्म बन जाए। अब देखो नेचुरल लॉगरिथम का मतलब क्या होता है, बेस ई है, नेचुरल लॉगरिथम का मतलब बेस हमारा कितना है, ई है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, एंड वन बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स, और ये कितना आ जाएगा, एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारे पास कितना आ गया, एक्स की पावर माइनस वन ओवर माइनस वन प्लस सी, जिसको कि हम माइनस वन बाय एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, एंड दैट विल बी आर आंसर। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया और इसमें कोई भी अब किसी को डिफिकल्टी नहीं है। आगे ले लेते हैं और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर सिक्स लेट से, तो ये आसान लगेगा आपको क्योंकि पहले आपने कपल ऑफ एग्जांपल्स कर लिए हैं लॉग पे, आई होप ये आप फटाफट निकाल सकते हो इसका आंसर, गलती नहीं करेगा। You want to pause the video, pause the video and solve it. I am solving it directly. इसको आप e की पावर माइनस एक्स लिखेंगे, इंटीग्रल डी एक्स आएगा, और यहाँ पे माइनस एक्स एल एन ऑफ ई तो वन होता है, इंटीग्रल डी एक्स, तो माइनस एक्स का इंटीग्रल कितना आएगा, माइनस ऑफ एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल नंबर सेवन, वन बाय रूट एक्स का इंटीग्रल, वन बाय रूट एक्स का, इसको आप देखिए एक्स की पावर माइनस हाफ लिखेंगे और फिर फॉर्मूला लगा देंगे ना एक्स की पावर एन का, तो एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन प्लस अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यू हैव एक्स की पावर हाफ और नीचे भी हाफ आएगा, तो टू रूट एक्स आ गया ना। तो बेसिकली ना इसको याद भी कर लेंगे यार, क्योंकि ना कई बार आता है, तो वन बाय रूट एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, टू रूट एक्स होता है ना, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, इसलिए मैं याद करने को बोल रहा हूँ, कई कई बार आपको यूज़ करना पड़ जाएगा। जैसे मान लो आपको बोल रहा है, लेट्स से एग्जांपल एट में आपको ये बोले वन बाय रूट ऑफ टू एक्स प्लस फाइव, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो और कितना आंसर आएगा, टू टाइम्स रूट ऑफ टू एक्स प्लस फाइव, ये तो किसकी वजह से आया, अगर स्टैंडर्ड वन बाय रूट एक्स होता, बट यहाँ पे 2x प्लस फाइव है तो आपको चेन रूल भी लगाना पड़ा होगा, तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ा होगा आपको, प्लस अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फाइनली आंसर कितना बन जाएगा, रूट ऑफ 2x प्लस फाइव। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि लीनियर फैक्टर से हमने करा, तो लीनियर फैक्टर की वजह से ये जो ए एक्स प्लस बी है, तो ए हमारा बेसिकली रेसिप्रोकल में 1 बाय ए की फॉर्म में हमें दिखेगा ना। ओके, नेक्स्ट let us take another example, let's take here only example number 9, integral e की power ln of 2 plus ln of x dx। तो यहाँ पे देखें इसको solve करना है, आप pause करके एक बार solve करके देख लें, मैं directly कर रहा हूँ। तो e की power ln of पहले 2x बना लेंगे dx, और ये base same होगा, तो integral 2x आ जाएगा और dx आ जाएगा, और 2x का इंटीग्रल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, तो आंसर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। वेरी इजी है ना। लेट्स टेक अनदर वन, है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है कई लोगों को, एग्जांपल नंबर 10। लॉग के एग्जांपल्स क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यार बहुत सारे लोगों को ना लॉग में डर लगता है, तो मैं वो डर दूर करना चाह रहा हूँ आपका। अब आप ये देखें यहाँ पे कि यार ये तो 2 की पावर एल एन एक्स आ गया, अब कैसे सॉल्व करेंगे, हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं, है ना, वी हैवंट स्टडीड एनीथिंग, यहाँ तक तो नहीं पढ़ा एटलीस्ट। आप सोच के देखें, पॉज कर लें वीडियो, सोच लें जितना समय सोचना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं जितना भी, अभी तक मैंने बताया नहीं, और
ऐसा कोई फॉर्मूला होता भी नहीं है, 2 की पावर ln x का इंटीग्रल ऐसे नहीं निकाल सकते ना, मतलब आपने कोई भी फॉर्मूलाज पढ़े हों इंटीग्रल के अगर पहले, तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे? इसके लिए आपको ना लॉग का एक फॉर्मूला आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? 1e log(b)c। अगर ऐसा करके है तो आप b और a को ना इंटरचेंज कर सकते हो, ये एक रिजल्ट होता है लॉगरिदम अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट अगेन विच यू मस्ट रिमेंबर। ये लॉगरिदम का है, ये तो तुम पहले पढ़ के आए हो, मैं तो जस्ट रिविजन करवा रहा हूँ। तो a की पावर log(b)c कैन बी रिटन एज b की पावर log(a)c। तो जैसे ही आप वो लिखते हैं तो ये देखो क्या बन गया, x की पावर ln(2) एंड ln(2) इज वॉट, दैट इज अ कॉन्स्टेंट। x की पावर ln(2) इज क्या है, वो तो कॉन्स्टेंट है ना, ये तो बेसिकली x की पावर k लिखा हुआ आप कह सकते हैं, या x की पावर n लिखा हुआ, और उसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना, x की पावर n+1 ऐसा करके ओवर n+1 प्लस अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दैट विल बी आर आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा चीजें। ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 10 थी, ठीक है। आई होप दिस वॉज गुड वन। नेक्स्ट लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 11। अभी जस्ट हमने शुरुआत करी है तो मैं ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं ले रहा हूँ, जस्ट हम बेस बना रहे हैं ना, क्योंकि कॉन्फिडेंस जरूर आना चाहिए हमारा इंटीग्रल में, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर निकालें, जल्दी जल्दी निकाल दें, दिस इज़ वेरी इजी, आप मेरे साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। 9+1 10/10, पर जल्दबाजी में 1/2 मत भूल जाना ना, 1/2 जरूर याद रखना है, प्लस सी जरूर करना है। अगर मैं भूल जाऊँ प्लस सी तो तुम जरूर कर लेना, कई बार होता ना मैं समझाने लग गया तो मैं भूल गया, तो जस्ट मेक श्योर दैट यू डू इट, ठीक। तो ये हमारा स्माइली इंटीग्रल 1 हो गया, ठीक है। तो स्माइली इंटीग्रल 1 पे हमने क्वेश्चंस भी कर लिए, मैं आपको शीट भी देने वाला हूँ, ठीक है, आई एल ऑल्सो गोइंग टू गिव यू अ शीट, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम में मिलेगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम लिंक पे जाइएगा, टेलीग्राम का हमारा हैंडल है @free_iitg_coaching, वहाँ पे आपको इसका शीट भी मिल जाएगा आज ही, और आप कोई भी डाउट्स डिस्कस करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई सजेशंस हो आपके तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। ऑलराइट, प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।